भारत का हृदय मध्य प्रदेश, अपनी समृद्ध कला संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों और सुनी अनसुनी वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक कार्य नीति के परिणाम स्वरूप आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप भारत सरकार के मार्गदर्शन में भारत पेट्रोलियम निरंतर प्रयासरत। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। आज हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश स्थित वीरों की भूमि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बीना रिफाइनरी परिसर में प्रतिवर्ष 2200 किलो टन उत्पादन क्षमता का एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए बीना रिफाइनरी की 7.8 MMTPA क्षमता का विस्तार कर 11 MMTPA किया जा रहा है। साथ ही यहां उत्कृष्ट तकनीक वाले 1.2 MMTPA क्षमता के एथिलीन क्रैकर कॉम्प्लेक्स और डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल संयंत्र की भी स्थापना की जा रही है। लगभग 49,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्माण के दौरान लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और परियोजना पूर्ण होने के उपरांत 1,00,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आजकल पेट्रोकेमिकल से बनी वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है, क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ होने के साथ साथ किफायती भी होती है, जैसे पाइप्स, फर्नीचर, कंटेनर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल उपकरण, विभिन्न प्रकार की फिल्म, कृषि उपकरण, निर्माण कार्य उपयोगी उपकरण इत्यादि। ये परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी। पेट्रोकेमिकल से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे फिल्म, फाइबर, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा। इन उद्योगों के खुलने से क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा, साथ ही स्थानीय लोगों को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के भी अवसर मिलेंगे। इस संयंत्र के आरंभ होने से देश में होने वाले आयात में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। आज बड़े हर्ष एवं गर्व का क्षण है, जब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है।